प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी प्यार सने के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज आप लोग को एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, शनि बुध ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भाव में राजा के समान सुख वैभव उन्नति आर्थिक करवाता है। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं और जीवन के सफल खिलाड़ी होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, माता पिता से धन की प्राप्ति करते हैं, जीवन में कभी कर्जदार नहीं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बर्बाद होती है, कभी जेल नहीं जाते हैं और सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग सरकार से पूजे जाते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक बनते हैं, ऐसे लोग लंबे से शादी करते हैं, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और ऐसे लोग अपने नाम से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ऐसे लोगों के पास जो भी धन दौलत जीवन में रहता है, स्वयं का बनाया हुआ रहता है और रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी कर्जदार नहीं होते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत शांतिपूर्वक आप अध्ययन करिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर किसी मित्रगण को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ शुल्क देना होगा। अगर आप शुल्क देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।